Assalamualaikum everyone, welcome to our channel. I'm Nasim. आज हम निकले हैं ईद का तीसरे दिन रिश्तेदारों के घर, और सबसे पहले हम अपना पेट्रोल डलवाएंगे क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म है और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। ये ना हो कि रास्ते में हम कहीं फंस जाएं और पेट्रोल भी ना हो तो एक और नई मुसीबत है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। और ईद का दिन आप लोगों ने कैसे मनाया आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. रिलेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमने कहा खाली हाथ जाना बेहतर नहीं है। रिलेटिव की तरफ जा रहे हैं तो खाली हाथ तो जाना नहीं है, तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। तो हमने सोचा कि भाई उनके घर बकरा हुआ है तो हमारे घर भी बकरा हुआ है, तो अब बकरे वालों का गोश्त लेकर के जाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो इसलिए हमने कहा कुछ और ही ले लेते हैं, कुछ ना कुछ ले लेते हैं, खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है। तो हमने कहा कि ये केक ले लें, और हम केक लेके फारिग हो गए। और अब हम टूटी फूटे अभी रिसेंटली कारपेटेड रोड बना था, सो कॉल्ड कारपेटेड रोड। और आप अभी इसका हशर देखें तो हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई इसको तो पहले जैसे ही कर दो, क्योंकि पहले ये बहुत ही बेहतर था। और अभी जो रोड बनाने के बाद जो हालात चल रहे हैं ना, वो आप देख लें। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। साथ में अब ईदी के एनवेलप भी तैयार कर लिए हैं। फिर एटीएम की तरफ जाना पड़ा, पहले एटीएम पे तो नहीं निकल सका, दूसरे एटीएम पे गए। अल्लाह का शुक्र है चल गया ये। चलें जी आगे बढ़ते हैं। एक रिलेटिव के पास से तो अब फारिग हो गए, अब दूसरे रिलेटिव के पास जा रहे हैं। ये वाला कितने का? ये वाले सही है। अब हम हाईवे से डाओ रोड पर आ चुके हैं, डाओ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के रोड पे। और आप देख सकते हैं कि एक रोड जो सामने है जाने वाली, वो तो कम्प्लीटली क्लोज है, और जो दूसरी आने वाली रोड है उस पर जाने और आने वाली दोनों तरफ की ट्रैफिक चल रही है। और जिस पे भी अच्छा खासा पानी खड़ा हुआ था, अभी बड़ी मुश्किलों से पानी से निकल करके आए हैं, जान छुड़ाई है हमने। और साइड पे आप देख सकते हैं कि अभी भी अच्छा खासा बारिश का पानी है, और ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है बे इंतहा मुतासर हो रही है। हम सेकंड रिलेटिव की सोसाइटी के अंदर आ चुके, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये है कि पार्किंग नहीं मिलती है। चलें जी दूसरे रिलेटिव से तो अब फारिग हो गए, तो अब बेगम की फरमाइश थी कि उन्हें कप केक चाहिए कैडबरी फ्लेवर। There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe. So on our way back, we found this flooded road. और हमें पता नहीं था ये वाली रोड इतनी फ्लडेड होगी, लेकिन हमने दूसरा वे लिया हाईवे की तरफ, एंड वी फाउंड आउट दिस वर्स्ट सिचुएशन एंड वी वर स्टक इन दिस। पीछे भी नहीं जा सकते थे, सो वी मूव फॉरवर्ड, बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने सोचा कि आगे ही बढ़ते हैं, एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड।
एंड लेट्स प्रे दैट वी क्रॉस दिस फ्लडेड रोड इजली. तो फाइनली अब हम अपनी सोसाइटी में आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा माशाल्लाह. वी एंजॉय किया और आखिरी जब हम गए तो वहाँ पर हमने डिनर किया. वी आर आउटसाइड आवर बिल्डिंग एंड आई होप यू लाइक द व्लॉग. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट टाइम.